भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन से मुंसलिक मुतनाज़े सरहद पर राहदारी का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय हुकूमत ने 40 करोड़ डॉलर की लागत से 9 किलोमीटर तवील सुरंग तामीर की है, जिससे 50 किलोमीटर का फासला कम पड़ेगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन से मुंसलिक मुतनाज़े सरहद को हिमालय से मिलाने वाली सुरंग का इफ्तिताह कर दिया, जिसके नतीजे में सरहद तक पहुंचने के लिए भारतीय फौजियों को बहुत कम वक्त लगेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक सुरंग भारत की शिमाल रियासत हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के सरहदी इलाके से मिलाएगी, जहाँ भारतीय फौज और चीन के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। शिमाली रियासत में 40 करोड़ डॉलर से तामीर होने वाली 9 किलोमीटर सुरंग से हिमालय के पहाड़ी इलाके में जाने वाले मुसाफिरों के लिए मतलूबा फासला 50 किलोमीटर और 4 घंटे कम हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद सर्द इलाके में सुरंग की तामीर के लिए साल भर में सिर्फ 6 माह काम मुमकिन था और 3000 मीटर बुलंद इलाके में तामीर इंजीनियरिंग का शाहकार है। हिमालय सुरंग के इफ्तिताह के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमने सरहद में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ की है। मुल्क में इस तर्ज की सड़कें, पुल और सुरंग की तामीर की मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सुरंग से मकामी अफराद के अलावा हमारी फौज के लिए इंतहाई फायदा होगा।